हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी जी, जिसके पास अपना कर्ज चुकाने का पैसा नहीं है वो इतना महंगा राफेल कैसे बनाएगा, पूछते हैं अजित अंजुम। रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम के को फाउंडर अनिल अंबानी को अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करा दिया था। इस मामले में अनिल अंबानी का जेल जाना लगभग तय हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर बड़े भाई मुकेश अंबानी ने बचा लिया। दरअसल आरकॉम पर एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए बकाया थे, उसने सुप्रीम कोर्ट की आदेश के मुताबिक तय समय पर भुगतान नहीं किया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी पाया और कहा कि अगर एरिक्सन को 4 हफ्ते में 453 करोड़ रुपए चुकाए तो अनिल अंबानी को जेल जाना पड़ेगा। अनिल अंबानी की आर्थिक स्थिति इस कर्ज को चुकाने की नहीं थी, जेल जाना पड़ सकता था। ऐसे में भाई मुकेश अंबानी ने बकाया भुगतान करने में अनिल अंबानी की मदद की। मुकेश अंबानी की मदद के बाद अनिल अंबानी पर जो जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था वो अब टल गया है। अनिल अंबानी ने सोमवार को एक बयान जारी कर मुकेश अंबानी और भाभी नीता अंबानी का शुक्रिया अदा किया। इस पूरे घटनाक्रम पर कटाक्ष करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अजित अंजुम ने लिखा है, मुझे एक ही बात समझ नहीं आ रही है कि अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाने के लिए उनके कर्जे का भुगतान भ्राता श्री मुकेश अंबानी कर रहे हैं तो राफेल का इतना बड़ा काम कैसे करेंगे, इतने बड़े गरीब को इतना बड़ा काम। गौरतलब है कि अंबानी ब्रदर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। कांग्रेस इस बात का दावा करती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही अनिल अंबानी की नई कंपनी रिलायंस एरो सेक्टर लिमिटेड को राफेल डील में ऑफसेट पार्टनर बनाया गया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।